हैं, बताते हैं आज चाय की कहानी। आप पीते तो शर्म क्यों होता है, हाथ उठाइए ना, आपको बताते हैं। देखिए उस चाय को पीने से क्या होता है, कितना फायदा होता है, हम फायदा गिना दे, भले ही आप लोग नहीं कहिएगा लेकिन हम बता देंगे। उस दूध वाले चाय को जिसमें आप चीनी दूध पत्ती डाल करके उबाल करके पीते हैं, उसको बनाकर पीने से सबसे जो पहला फायदा आप लोगों को होता है गैस एसिडिटी का होगा, दूसरा फायदा होगा भूख कम लगेगा, उसके बाद क्या होता है कितने आदमी को सही टाइम पर अगर चाय नहीं देगा तो लगेगा सर फट जाएगा, समझ गया। जब ये चाय पिएगा तो उसका सर का दर्द क्या हो जाएगा, आराम हो जाएगा। चाय ज़्यादा पीने से कॉन्स्टिपेशन होगा, कब्ज हो जाएगा, जब आपको कब्ज होना शुरू हो जाएगा तो लास्ट में आपको क्या हो जाएगा, बवासीर का प्रॉब्लम आ जाएगा। उसके बाद उस चाय को पीने से रात को नींद कम आएगी, उस चाय को दूध वाले चाय को पीने से आपका जो है पाचन शक्ति कमज़ोर हो जाएगा, उस चाय को पीने से बीपी का प्रॉब्लम आएगा, ब्लड प्रेशर हाई लो होना शुरू हो जाएगा, उस चाय को पीने से घुटने का प्रॉब्लम आएगा, उस चाय को पीने से आपको डायबिटीज हो जाएगा, उस चाय को पीने से अनिद्रा की बीमारी हो जाएगी, थायराइड हो जाएगा, माथा में दर्द सब शुरू हो जाएगा। यानी 80 से ज़्यादा बीमारी लाने का दूध वाला चाय करता है। तो क्या पीना चाहिए उसको? नहीं। आज आप फायदा समझ लिए कि दूध वाला चाय जो आप लोग पीते हैं तो उसका ये फायदा है, लेकिन हम भी कहते हैं कि हमारे पास में ये ऋषि गैनोटी है, यानी हमारा जो ये ऋषि गैनोटी है ये एक खास चाय है। क्या है ये? एक आम चाय से हट करके है, तो हमारा ऋषि गैनोटी, क्योंकि इसमें क्या डाला गया है, ये आरजी और जीएल ये दोनों का सत्व है, यानी गाइनोडर्मा बेस्ड प्रोडक्ट है। इसमें क्या है, जड़ी बूटी का राजा का पाउडर डाला गया है। अब इसको देखिए बनाने का तरीका सिंपल है, पानी उबाल लीजिए, समझ गए, 1.5 लीटर पानी उबाल लीजिए, और क्या करना है उसमें, पानी जब उबल जाए तो गैस चूल्हा से नीचे उतार लीजिए, और उसमें क्या करना है, 1 चम्मच चाय पत्ती ऋषि गैनोटी डाल देना है, और ढक करके आधा घंटा 15 मिनट 10 मिनट के लिए क्या करना है, आपको छोड़ देना है। छोड़ दीजिएगा तो ये क्या होगा, 10-15 मिनट में गैनोडर्मा इसमें क्या हो जाता है, घुल जाता है, जैसे अभी बनाया गया और आप लोगों को पिलाया भी गया है। तो इसको पीने के बाद क्या होता है कि अगर हम आरजी जीएल नहीं खा पाए तो यही चीज़ ना इसमें गया है, तो चाय के माध्यम से क्या होगा, आपके शरीर में क्या होगा, ये जाएगा। तो जब ये शरीर में जाता है तो इसका काम है कि कचरे को ढूंढना, बीमारी को ढूंढना, कि आपके शरीर में किडनी में खराबी है, कि लीवर में है, कि ब्रेन में है, कि फेफड़ा में है, कौन से अंग में समस्या है, कहां कहां पर ज़्यादा कचरा सब जाकर के बैठा हुआ है, इसको ये ढूंढने का काम करता है। यानी कहने का मतलब हुआ कि जब हम डॉक्टर साहब के पास किसी समस्या को लेकर के जाते हैं तो डॉक्टर साहब आज के डेट में क्या करता है, तुरंत जांच लिखेगा, आपको 3-4 गो जांच लिख देगा, ठीक है, उस जांच के आधार पर क्या करेगा, आपको दवाई का डोज देगा। लेकिन हमारा जो ये ऋषि गैनोटी है यही जांच करता है, समझ गए, ये ऋषि गैनोटी आपको क्या करेगा, जांच करेगा, कितने दिन में, 1 दिन से लेकर और 30 दिन होते होते क्या करता है, ये आपके बॉडी को जाँच लेगा कि कौन अंग में कितना कचरा, कौन सा अंग में समस्या आ रहा है, ये जांचना शुरू कर देगा। इसको क्या करना है, दिन में जितना बार हो सके इसी पानी को क्या करना है, पीते रहना है। इस पानी को जितना पीजिएगा उतना आपके शरीर से गंदगी कचरा को क्या करेगा, पेशाब के माध्यम से, पैखाना के माध्यम से, आंसू बलगम के माध्यम से क्या करेगा, शरीर से बाहर निकालने का काम करता है। तो देखिए ये क्या हो गया कि ये ऋषि गैनोटी क्या करता है, हमारे शरीर का अंदरूनी साफ सफाई करता है। बाहर से तो हम करते ही रहते हैं लेकिन अंदर से जो हमारे शरीर में जो विष सब गया है, जहर कचरा सब बैठा हुआ है, ये ऋषि गैनोटी पीने के बाद ये शरीर से सारे कचरे को धीरे 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 क्या करेगा, आपके शरीर से बाहर निकाल देगा। तो शरीर से जब कचरा बाहर निकलेगा तो शरीर हल्का होगा कि भारी महसूस होगा, हल्कापन महसूस होगा। लेकिन जब अभी हमारे शरीर में बहुत अचरा कचरा है, बहुत सारे समस्या है, तो हर वक्त कुछ न कुछ प्रॉब्लम आपके शरीर में क्या होता रहता है, आता रहता है। अब देखिए इसका गुड साइन है, गुड साइन का गुड लक्षण है इसका, कि इस पानी को पीने के बाद
लगे कि कोई समस्या बढ़ा दिया है तो छोड़िएगा ना, इसको छोड़ दीजिएगा कि नहीं, ठीक दिए आपको ठीक होने के लिए, लेकिन क्या किया इसने, आपके समस्या को बढ़ा दिया। जैसे जिसको घुटना का दर्द है, इसको पीने के बाद लगेगा घुटना का दर्द क्या किया ही बढ़ा दिया, तो इसको क्या कीजिएगा कि रानी देवी लाई थी हमको ठीक करने के लिए, दे दिया हमको, गड़बड़े हो गया है, इसको नहीं पियेंगे। लेकिन घबराने की बात नहीं है, जब ये किसी के शरीर में ऐसा होता है, कोई चीज़ बढ़ा देता है, तो खुशियाँ मनाना है। क्या मनाना है? खुशियाँ, मतलब मिठाई बांट लीजिएगा, क्योंकि इनका काम है, जब ये कोई समस्या बॉडी में बढ़ाया तो समझिए उन्होंने कारण को क्या किया है, पकड़ लिया है। कारण को क्या किया शरीर में, पकड़ लिया है, ये बाहर निकालेगा आप, समझ गए? तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है। अगर दर्द ज़्यादा बढ़ जाए, कोई दर्द वाला समस्या है, ज़्यादा बढ़ जाए, इसको पीने के बाद लगे कि नहीं सह पाते हैं, तो एगो पेन किलर अंग्रेजी दवा क्या कर रहा है, डॉक्टर साहब के सलाह से खा लेना है, लेकिन इसको छोड़ना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि जो करेगा यही करेगा। अब देखिए, इसको पीने के बाद अगर आँख दोनों आपका लाल हो जाए, जैसे शराबी लोग शराब पीता है तो आंख दोनों क्या हो जाता है, लाल। चाची आपको नींद आ रही है, एक बार जोरदार ताली दीजिए, पैर नीचा कीजिए, पैर नीचा कर लीजिए। जब आपका दोनों आंख लाल हो जाए इसको पीने के बाद, तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि आंख जब लाल होता है तो इसका संकेत है कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है। जैसे जॉन्डिस होता है तो कहाँ पता चलता है, आँख पीला हो जाएगा आपका, लेकिन जॉन्डिस हुआ कहाँ पर है, लीवर में खराबी है। इसीलिए जब जिसको जॉन्डिस होता है तो ठंडा ठंडा वाला चीज़ क्या करते हैं, इसे खिलाते हैं कि नहीं। तो कारण कहाँ में है, कहाँ पर है कारण, आपके लीवर में, लेकिन दिखाई कहाँ देता है, आँख पर। तो इसी प्रकार से ये ऋषि गैनो टी पीने के बाद अगर आपका आँख दोनों लाल हो जाए तो समझ लीजिएगा कि सुनील जी बताए थे कि आपके लीवर में प्रॉब्लम है, लीवर आपका क्या यहाँ छोड़ने लगता है साइन, आँख लाल हो जाएगा। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं, पानी खूब पीना है, जितना पानी पीजिएगा वो पेशाब पसीना के माध्यम से क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, फिर आपका आँख क्या हो जाएगा, 24 से 72 घंटा में फिर जैसे था वैसे हो जाएगा। समझ लिए इसका? अगला जो इसका और एक गुड साइन है, अगर इसको पीने के बाद आपका दोनों कान भारी हो जाए, बहरा हो जाए, सुनबे नहीं करते हैं, तो फेंकिएगा नहीं चाय पत्ती कि दिए थे हमको ठीक होने के लिए, हमारे दोनों काने बहरा हो गया है कि नहीं। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि कान का सीधा कनेक्शन किडनी से होता है, दोनों साइड में किडनी होता है, ठीक है। अगर किडनी में ज़्यादा गंदगी बैठा होगा, किडनी आपका खराब हो रहा है, तो ये जब जाएगा वहाँ पर तो आपका दोनों कान की शक्ति क्या हो जाएगा, छीन हो जाएगा। तो उस समय में क्या करना है, पानी खूब पीना है, ताकि किडनी से जो गंदगी बैठा हुआ है वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, फिर आप धीरे धीरे सुनना स्टार्ट कर दीजिएगा। तो बताइए ये खराब चीज़ है कि अच्छा चीज़ है? अब एक एक चीज़ को हम आप भी आप लोगों को बताते हैं कि इसको पीने से ये लक्षण होगा, ये आपके शरीर में गुड साइन लगेगा। तो घबराना बिल्कुल भी नहीं है, इसी को क्या करना है पीते रहना है। इसको जो आदमी पीते रहेगा तो उसके परिवार में कभी भी कोई बीमारी दस्तक नहीं देगा। बीमारी का मतलब सबसे जो भयानक बीमारी होता है उस बीमारी का नाम जानते हैं आप लोग, कैंसर। कैंसर का एक बार नाम सुन लीजिएगा तो क्या होता है, दिल धड़कने लगता है कि ऐसा बीमारी है। तो इस चाय के पानी को पीते रहने से कभी भी आपके शरीर में कोई खतरनाक से खतरनाक और साधारण से साधारण जो बीमारी सब होता है वो होने नहीं देगा, क्योंकि इसका काम है शरीर के अंदरूनी अंग सब का साफ सफाई करना। और प्लस में क्या है, इसमें जो गैनोडर्मा है, ये गैनोडर्मा आपके शरीर का देखरेख करने का काम करता है। तो पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? इसको हर आदमी को पीना चाहिए। इसको पीते रहने से कभी पथरी नहीं होगा आपको, इसको पीते रहने से कभी कमर में दर्द नहीं होगा, इसको इस पानी को पीते रहने से कभी लिकोरिया का प्रॉब्लम नहीं होने देगा। तो पीना चाहिए कि नहीं पीना चाहिए? इसको पीने से कभी थायराइड नहीं होगा, जो आप लोगों में थायराइड की बीमारी होती है, इसको पीते रहने से कभी माथा में दर्द नहीं होगा, इस पानी को पीते रहने से कभी बीपी का प्रॉब्लम नहीं होगा, इसको
पानी को पीते रहने से कभी आपको डायबिटीज यानी चीनी रोग नहीं होगा, मधुमेह नहीं होगा, कभी हाथ पैर में टटैनी जलन ये कमजोरी सब होने नहीं देता है। तो इसीलिए इस चाय के पानी को क्या करना है आपको, पीते रहना है। समझ गए इसके बारे में। अब देखिए ये है स्पिरुलिना, यह क्या है कि संपूर्ण आहार है। अभी जो अभी हम आप लोगों को यहाँ पर बताए कि हम अगर डेली अपने भोजन में सेब नहीं खाते हैं, संतरा नहीं खाते हैं, जूस नहीं पीते हैं, विभिन्न तरह का फल नहीं